जनाब सारे सब्सक्राइबर मेरी तरफों सलाम और उम्मीद करना जनाब जिथे जिथे तुसी जे अल्लाह पाक तुहानू अपनी दुआवां च रखे ते कमेंट अच्छे अच्छे करया करो प्यारे प्यारे करया करो ते कोई गलबात भी होवे तुसी मेरे नाल कर सकदे जे। ते जनाब चौधरी काशिफ साहब ने उन्होंने मैनू कमेंट किया ते चौधरी काशिफ साहब ने मैनू कहा है कि जी तुसी ऑन कैमरा जिहड़ा है वो घोड़ी का सौदा ना कराया करो इन दे विच जिहड़ा है वो घोड़ी की जानवर की तौहीन है। तो जनाब इस बारे दे विच जिहड़ा ना अगर तुसी सारे भरा मैनू कहिंदे जे कि नवाज भाई ये ना तुसी कराया करो तो मैं जनाब नहीं करांगा तो इन बारे च भी तुसी दसना और ताकि जिहड़ा है ना अपना ये जिहड़ा सिलसिला घोड़ी का सौदा करावांगे उस तो बाद जिहड़ा ना ये आप जिते पैसे लैन देन है वो आप नहीं करांगे। ये तो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई सी मैं कि ताकि तुहानू पता लगे कि सौदा किवें कराईदा और मेरा तरीकेकार की है। इन्हें दूसरी गल ये जनाब कि ये जिहड़े जिहड़े दोस्त मैनू कहिंदे ने कि जी साडे कोल फलां घोड़ा खला है साडे कोल फलां घोड़ा खला है हुण किसे जिस तरह हुण घोड़ा एक घोड़ा जी सियालकोट खड़ा होया है एक तहसील डस्का ये सरां वाली हाजी एहसान वट साहब ने उन्हां कोल खला है जेलम खला है जी झंग खले ने जी हुण उंदा यह है कि जनाब अगर तो तुसी वट्सएप दे उत्ते वीडियो कलांदे जिते वह फिर मैं इवें ही बनाऊंगी जिवें मैं हुण बनांदा पिया तो जे अगर तुसी स्पैशली तौर पर आपके घोड़े की वीडियो बनवाना चाहते जे तो उनका तरीकेकार जनाब है कि जिवें मैं पहले पहली घोड़ी की जी 1,40,000 रुपए की मैं बेची है उस तरह मैं वीडियो बनाना तो वह वीडियो बना के फिर इतने लिया के अपलोड करा अपलोड करके फिर जी जी बेचांगे वो भी वीडियो अपलोड कराँगा ताकि जोड़ा ना तमाम हालात थोड़े सामने आ जाए। तो जे अगर तुम उमें वीडियो नहीं बनवाना चाहते तो फिर वो तरीकेकार फिर यो ही है जिमें मैं हूँ करता पाँ उनका तरीकेकार जनाब ये है कि नाल दी नाल वो दस दे जाएंगे कि फलां इलाके फलां इलाके से एक गुजारिश है कि जिहड़ा बंदा मैनू ये भेजे कि जनाब यह साडा घोड़ा तुसीं वेच दिओ जे अगर तुसीं मेरे को स्पैशली वीडियो नहीं बनवाना चाहते तो ठीक है अपना नाम और पाकिस्तान का नंबर जिहड़ा जिथे तुहाडा घोड़ा है उत्थे दा नंबर वो तुसीं जरूर जिहड़ा ना वो मैनू वट्सएप दे उत्ते वो लिखा दिया करो या अपने मैसेज के विच लिख दिया करो ताकि फिर मैं जदों अगले नूं आगाही देनी है ये जानवर के बारे तो फिर मैं उन्हों नंबर भी तुहाडा दस देवां ठीक है ताकि जिहड़ा ना वो डायरैक्ट तुहाडे नाल गलबात कर लवे तो तुसीं उन्हों देख लो तुहानू देख लवे तो तुहाडा सौदा हो जाए। तो जे अगर सौदे के विच तुसीं मैनू लियाना चाहते जे तो फिर उनका तरीकाकार उहो ही है कि जिस तरह वो घोड़ा सौदा कराया सी उवें वीडियो बना के। दूसरी गल जनाब ये हैगी है कि अगर तुसी कोई अगर ये तरीका तुहानू अच्छा लगे वीडियो बनावन दा तो ये दस देना जो दूसरा लगे तो दूसरा तो चलो जी वीडियो शुरू करने जनाब लोग भी बड़ा कहते हैं जी तुसी गल्लां बहुत करते जे चलो जी गल्लां घट करने जी जी एक घोड़ा जनाब खला सियालकोट के अंदर ब्लैक रंग का घोड़ा है जी 1,60,000 रुपए जड़ा उनकी कीमत है जनाब रेड़े दे विच लग्या होया दौड़दा भी टोरेबाज घोड़ा कद वड्डा है उनका मैनू वीडियो उनकी वट्सएप के उत्ते मेरे को आ गई है। फिर जी एक होर जी घोड़ी है ये तहसील डस्का जिला सियालकोट गाँव सरां वाली हाजी इसान भट्ट साहब को जी घोड़ी है ये वेचना चाह रहे हैं जनाब तो इनका उम्र जवान हैगी है जी। एक दूसरी घोड़ी है बावन नगर के खिची वाला उत्थे घोड़ी है जनाब विकन वाली जेलम के दीना घोड़े ने जी 3 उम्र 6 साल तो डिमांड जी उन्हों की 3 लाख रुपया झंग दे विच जी 10 घोड़िया ने 10 घोड़िया वो व्यापारी है तो उनका वट्सएप नंबर तुसी मेरे को ले लो 0341-32-57-355 ये जी झंग दे अंदर जिहड़ा फैसलाबाद भी स्टाल स्टूल लाते हैं तो हर मंडी के उत्ते लाते हैं क्योंकि हुण मौजूदा हालात दे विच वो किधरे जा नहीं सकते लिहाजा उन्होंने कहा जी मैं उन्होंने राबता किया
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜੀ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਝੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਚੀ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 03341451965 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, 03341451965। ਉਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਦਰ ਚਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।